हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है इंस्टेंट मावा बनाने की। ये झटपट तैयार हो जाता है। इसको बनाने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है और इसका यूज हम बहुत सी रेसिपीज बनाने में करते हैं। जैसे आप बर्फी बना सकते हैं, गुलाब जामुन बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं। नॉर्मली जो हम ट्रेडिशनली मावा बनाते हैं उसमें हम दूध को जलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस मावा को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम चलिए देख लेते हैं इंस्टेंट मावा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप दूध लिया है, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने शुद्ध देसी घी लिया है। इसकी जगह आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे दूध। दूध डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे घी। अभी हमने गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है। घी डालने के बाद हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना बने। अभी हमने गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरा मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है। अब हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। कोई भी लम्स इसमें न रहे, ये हमें ध्यान रखना है। मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है दूध और घी के साथ। अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और इसको हम बराबर से मिक्स करते रहेंगे। इसको हमें चलाना बंद नहीं करना है, बराबर से हम चलाते रहेंगे इसको। ये देखिए, 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो ये मिक्सचर है ये गाढ़ा होने लगा है। आपको इसे चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर रखी है। हम इसे बराबर से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये इकट्ठा ना होने लगे या पैन ना छोड़ने लगे, तब तक हम इसे बराबर से इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा ये इंस्टेंट मावा बन के तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये पैन छोड़ने लगा है, इकट्ठा हो गया है। तो गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिल्क पाउडर से मावा बन के तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और दानेदार मावा हमारा बना है। तो इस मावा का यूज आप बहुत सी मिठाइयाँ बनाने में कर सकते हैं। आप इससे गुलाब जामुन बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।